लाओस में 21 आसियान शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा हम शांतिप्रिय देश एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को करते हैं सम्मान। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज, आज एलजी मनोज सिन्हा से मिलकर उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा, 13 या 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की संभावना। हरियाणा में 15 अक्टूबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम कर सकते हैं शिरकत, नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में लोगों को फेस्टिवल सीजन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, राज विद्युत न्यायिक आयोग का फैसला, इस साल नहीं बढ़ेगी बिजली दर। कोलकाता कांड के विरोध में अनशन पर बैठे दो डॉक्टरों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती तो वहीं नाराज 50 डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। लाओस की राजधानी वितियाने में प्रधानमंत्री मोदी ने 21 लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 122वीं जयंती और इसे लेकर यूपी में सियासत भी चरम पर, दिल्ली से पटना तक लोकनायक की जयंती के मौके पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का आज 82वां जन्मदिन, अमिताभ ने हिंदी सिनेमा को नया आयाम दिया है, 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन की पहचान दी। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग, शिंदे सरकार ने केंद्र से की भारत रत्न देने की मांग, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास। मुंबई में वर्ली शमशान घाट पर रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, रतन टाटा को नम आंखों से लाखों लोगों ने अंतिम विदाई दी। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है, देर रात रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया, वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट थे। गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रतन टाटा को बरली शमशान घाट में श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा को राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ फिल्म जगत के सितारों ने भी वरली पहुंचकर शमशान घाट पर श्रद्धांजलि दी, रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए वरली लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्ली से पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड पर रखा गया था, जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे से लेकर कुमार मंगलम बिरला और रवि शास्त्री भी ने श्रद्धांजलि दी। दसवें घाट पर गंगा आरती के दौरान दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। हरिद्वार के प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन भी उद्योगपति रतन टाटा को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए विशेष आरती की गई। दिल्ली में 200 किलो कोकीन बरामद, करीब कीमत बताई जा रही है 2000 करोड़ की, हालांकि पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है।
केंद्रीय सरकार ने हिज उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया। देश में संगठन की गतिविधियों पर लगाई रोक। यासूरुलम में 1953 में गठित संगठन की कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी। गुरुवार को डॉक्टर और आम लोगों ने मोबाइल टॉर्च ऑन कर निकाला मार्च।